इन्होंने कहा है सर, ममता जी ने कहा कि फील्ड में रहना जरूरी है, नेता यहाँ पर विदेश में जाते हैं, फील्ड में रहना जरूरी है, फील्ड में रहकर ही बीजेपी को हरा सकते हैं। सीधी बात है, आज वेस्ट बंगाल में ममता जी की जो जीत हुई वो फील्ड काम करने वाले लाखों तृणमूल कांग्रेस के जो साथी है उनकी मेहनत से वो वहाँ की जीत हो गई, और इसलिए उनका पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने किया, हम उनका स्वागत करेंगे। सात साल में बने हैं उसमें सात पे ही चर्चा हुई, बाकी फोर्सफुली पास कर दिए गए। क्या उनको उन्होंने कहा है कि नई सरकार आती है तो उसको रिव्यू किया जाएगा उन सारे कानूनों को जो फोर्सफुली पास किए गए हैं? नहीं, मौका इलेक्शन मेंबर्स को मिला नहीं और कोई प्रपोजल किया हुआ, तो ऐसे बारे में जरूर सेकंड थॉट देने की आवश्यकता है। एक हमारा जनरल थिंकिंग है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट इशू नहीं, हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लोगों का भरोसा रहेगा, ऐसा एक अंतर इशू प्लेटफॉर्म आज देने की आवश्यकता है। हम किसके नेतृत्व में हुए कौन देंगे ये सेकेंडरी बात। हमने शरद जी के साथ मिल करने के लिए और उद्धव के साथ मिल करने के लिए मैंने महाराष्ट्र में आए थे। मैं उद्धव का तबीयत ठीक नहीं है, इसी के लिए मिट तो नहीं कर पाया, लेकिन आई प्रे टू गॉड ही शुड रिकवर स्पीडी रिकवरी। उन्होंने उनका पार्टी का संजय राउत को और आदित्य ठाकरे को मेरे को घर में भेज, मेरे को होटल में भेजा और लोगों ने बातचीत किया। मेरे को मन था कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में,
जैसा फैसिज्म चल रहा है इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है, जो स्ट्रॉन्ग जिधर में आए उसको लेके करना पड़ेगा। इसी के लिए सारथी इज द सीनियर मोस्ट लीडर, बहुत दिन से हम सारथी का साथ में काम किया है। इसी के लिए मैं सारथी को साथ पॉलिटिकल कार्टिसी और डिस्कशन करने के लिए आई हुई है। सारथी ने जो बात कहा है हम सहमत हूँ। सबसे अलग रख के हो सकता है, कांग्रेस को अलग रख के हो सकता है देश भर। देखो सारथी क्या बोला, एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रहेंगे। सीनियर नेता है यूपीए के, आपको लगता है कि शरद जी को आप यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? अरे क्या यूपीए, अभी यूपीए नहीं है, यूपीए क्या है? सब तैयार करेगा बैठ के। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी आरोप कर रहा है, क्या बोलो लता दीदी, अरे स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव जिसका फल देश का जनता का भरोसा रहेगा और बीजेपी को दूर करने के लिए मददगार होगा, उस रास्ते से हम जाएंगे। रीजनल पार्टी को मजबूत करने की बात हो रहा है, जितने भी रीजनल पार्टी है ममता जी, जितने भी रीजनल पार्टी है उनको मजबूत करने की जरूरत है। जी आगे बढ़े इस बारे में चाहते हैं ममता जी, रीजनल कांग्रेस का मजबूत करने का कि कांग्रेस का मजबूत जवाब बन जाए सगळ्यांना बदलून घेऊन जायची बात आहे आणि त्यासाठी जो मेहनत करते सगळ्यांच्या येण्यासाठी तयार करते त्या सगळ्यांच्या सर राहुल